राम राम मित्रों, हाड़ू दी खबर में आप सभी को स्वागत है। और मैं आज आप ही ले रहा है जहाँ सहायक अभियंता कार्यालय अट्रू में, जहाँ आपका हित की बात करूँगा। आज मैं जानकारी लेंगा राठौर साहब से, जो कि अयन साहब से यहाँ का, और वहाँ से जानकारी लेंगा कंज्यूमर के ताई कहीं कहीं सुविधा और की प्रकार का ऑफर। अब मार्च चल रहे जो मित्रों, और मार्च में जो रिकवरी चल रही जो बिलान की जिका भी बकाया बिल हो, वो अपनों कुछ ऑफर चल रहे थे, वो ऑफर की अपन जानकारी लेंगा अयन साहब से और बात कराऊंगा। आप ही बने रहिए जो आड़ो दी खबर पर जी मित्रों, बने रहिए जो आड़ो दी खबर पर, और जानकारी लेंगा अपन आज अयन साहब से कखी प्रकार से कंज्यूमर जो है अपने क्षेत्र का और राजस्थान के लेकर कहीं कहीं ऑफर चल रहे थे, बिल की प्रकार से आप जमा करा सको छो, कहीं कहीं सुविधा कहीं कहीं छूट आपने मलवाड़ी से, और अगला महीना से तो शायद और भी ज़्यादा छूट मिलवाड़ी से, जानकारी लेंगे साहब। सूची सर नमस्ते, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से जी सर सर्वसाधारण जन को, आम जन को राजस्थान सरकार की स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगा। जी सर, राजस्थान सरकार ने कई सारी स्कीम्स आप लोगों को दी हैं। जी सर, जिसमें पहली तो ये है कि जितने भी कृषि उपभोक्ता हैं, जी जितने भी कृषि उपभोक्ता हैं, उनको ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट दी हुई है। ये देखो मित्रों, एक बहुत बड़ी रोचक जानकारी मिली कि जो कृषि से संबंधित कनेक्शन है, कृषि से संबंधित जो कंज्यूमर है, जहाँ का भी कनेक्शन है, वहाँ का कारण अगर वो बिल जमा कराओ से, तो वहाँ का जो ब्याज लाग रहे हो वो 100% शुल्क माफ कर दो ब्याज को। जी सर, दूसरी बात, कृषि उपभोक्ताओं के जो कई सालों से कटे हुए कनेक्शन हैं जी, उनको भी हम नियमित करेंगे जी। उसमें भी उपभोक्ता के अगर कोई बकाया है, उस पर भी हम ब्याज और पेनल आज तक की जो ब्याज है वो भी माफ करेंगे। या देखो कई सारी सुविधा, मतलब जो फलियां को पुरानों बकायो छे, ऊपर भी जो ब्याज की दर चाल रही है, वहाँ को बिल्कुल नील कर दी जाओगी, और जो पुराना बकाया छे वहाँ का ताई भी, और जो पुराना कनेक्शन कटे हुआ छे वहाँ का ताई भी वापस से जोड़े जाओगे। मित्रों, कितनी अच्छी सुविधा अपनी विभाग आड़ी से मिल रही है, और भी जानकारी लेंगे साहब से। बिल्कुल, दूसरी स्कीम है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, जिनके कनेक्शन घरेलू के हो या कॉमर्शियल हो या किसी भी प्रकार के हो, कृषि के अलावा जो कटे हुए हैं 31 दिसंबर 2022 तक के, उनको सबको ब्याज और पेनल्टी में 100% की छूट है, और उनका कनेक्शन पुनः चालू भी करा दिया जाएगा जी सर, अगर वो जमा कराते हैं जी सर। और भी सर? बिल्कुल, तीसरी स्कीम ये है कि कृषि उपभोक्ता जो भी अपना लोड बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मात्र 60 रुपये प्रति एचपी के हिसाब से ये सुविधा सरकार ने दी हुई है कि अपना लोड 60 रुपये प्रति एचपी के हिसाब से बढ़ाएं, और क्षमता के अनुरूप आपको ट्रांसफार्मर भी दिए जाएंगे। चौथी स्कीम जो कि बहुत ही विशेष है, इसके अंदर जितनी भी वीसीआर भरी हुई है, 1 लाख से ऊपर की जो भी वीसीआर हैं, वो 40% में सेटलमेंट के थ्रू यही आईएन कार्यालय में समाधान कर दिया जाएगा। देखो मित्रों, एक और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जहाँ का जो वीसीआर थी उनको लगभग 40% में सर, बिल्कुल 40% में, 40% में पूरा समाधान हो जाओगे। जैसे 1 लाख के आपने वीसीआर हो या बकायो चल रहे हो, तो उनको 40% 40,000 रुपये में पूरा समाधान आपको निपटारा हो जाओगे। दूसरी, अगर 1 लाख से ऊपर की जो भी राशि उसमें वीसीआर में इंक्लूड होती है, जैसे किसी की वीसीआर 2 लाख रुपये की है, तो 1 लाख तक तो 40,000 बनता है, और 1 लाख से और ऊपर 2 लाख तक का जो 1 लाख पैसा बचता है, उसका केवल 10%, केवल 10,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये में आपकी वीसीआर का समाधान हो जाएगा। दूसरा, उस पर जो कंपाउंडिंग लगेगी, अब कंपाउंडिंग जैसे किसी की 3,000 रुपये है, तो उसका केवल 25% ही जमा कराना पड़ेगा, और इसमें वीसीआर का निस्तारण सहायक अभियंता कार्यालय में कर दिया जाएगा। और भी सर सुनाई में आ रहा है सर कि जैसा 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है सर। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान सरकार की स्कीम है कि जितने भी उपभोक्ता हैं जी, उनको राजस्थान सरकार के आगामी 1 अप्रैल से
100 यूनिट प्रति माह की बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कि हमारे जो बिल चलते हैं 2 महीने में आते हैं तो उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये देखो मित्रों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, और ज्यादा लोड भी न पड़ोगे, राज्य सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजना माननीय आईएन साहब अपन बता रहे थे, इतनी बढ़िया योजना से अगला महीना से 100 यूनिट बिजली तो अपनी फ्री मिलेगी सही, और 2 महीना में अपन बिल जमा करा था मित्रों, तो 2 महीना में अपना 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। तो 200 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद जो भी आपकी 300 या 250 या 400 जो भी यूनिट बिजली आउट है तो आपको लोड बहुत ज्यादा कम कर दियो सरकार ने। बिल्कुल। दूसरी बात, किसान जो है कृषि उपभोक्ता है उनको भी सरकार आगामी साल में 2000 यूनिट फ्री दी जाएगी हर महीने। या देखो जो घरेलू उपभोक्ता से वहाँ के कारण तो हर महीना लार 100 यूनिट बिजली फ्री मिली रही है, पर कृषि उपभोक्ता कृषकों के कारण भी एक और योजना का 2000 यूनिट एक वर्ष में 2000 यूनिट वहाँ की महीने में एक महीना। या देखो बहुत ही रोचक जानकारी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के कारण अपनी मिल रही है, 2000 यूनिट प्रति माह की वही छूट मिलेगी। और भी जानकारी लेंगे साहब जो, मतलब एक माह की 2000 से मतलब है कि आपको साल भर में 24,000 यूनिट की फ्री बिजली मिलेगी किसानों। या देखो अगर मोटी मोटी एक साथ रकम जोड़ी जावे या यूनिट जोड़ी जावे तो 24,000 यूनिट साल भर में, मतलब 12 महीना में 24,000 यूनिट बिजली को तो आप ही बिल देनो ही कोई ना मित्रों। तो मैं आड़ोती की खबर का माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा कंज्यूमर से, घरेलू उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ता और जितना भी उपभोक्ता से विद्युत विभाग का वहाँ से निवेदन करूंगा आड़ोती खबर का माध्यम से, जितना भी बिल है आपने थोड़ा थोड़ा कर जमा करा सको तो, मतलब आप एक बार ऑफिस तक तो आओ, आपकी समस्या को निदान जरूर मिलोगे और जानकारी लेंगे साहब जो। और मेरी अपील है सभी उपभोक्ताओं से, कटे हुए कनेक्शनों वाले उपभोक्ताओं से, कि वो अपने बिल को त्रुटिपूर्ण अगर है उसको यहाँ ऑफिस में पधारकर सही करें और हाथों हाथ जमा कराकर अपना कनेक्शन चालू करावें, राजस्थान सरकार की स्कीमों का बहुत बहुत फायदा उठा दें ताकि आपको फायदा मिल सके। या देखो विभाग आगे रह रही आपने ताई इतनी सुविधा दे रहे हो, आपने जो ब्याज की दर से वहाँ के ताई माफ कर रहे हो, बिला में 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है राज्य सरकार आड़ी सो कंज्यूमर के ताई, जो कृषि का जो उपभोक्ता है कृषि वाला वहाँ के ताई 2000 यूनिट प्रति माह की भी छूट मिल रही है, तो कई सारी सुविधा अपनी देखभाल में मिल रही है मित्रों। बने रिजो आड़ू थी खबर पर, और भी जानकारी लेते रहेंगा, जहाँ तक लेकर राम राम जी सर, जानकारी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो मित्रों अपनी जानकारी मिली आईएन साहब जो, और बहुत ही अच्छी अच्छी योजना 100 यूनिट 2000 यूनिट सभी अलग अलग उम्र, और अपन जानकारी लेंगे यारो साहब से, गणेश राम जी पोर्टर आपने सामने से और जानकारी लेंगे यहाँ सुख साहब, और कहीं कहीं सुविधा अभी वर्तमान में निगम की तरफ से कंज्यूमर को एग्रीकल्चर के जो रेगुलर हैं जी और DC PDC कंज्यूमर हैं जी, तो एग्रीकल्चर में सब में छूट मिल रही है जी। LPS कटे हुए जो कनेक्शन है उन पे पूरी तो LPS जो पेनल्टी लगी है और उस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो पूरा माफ किया जाता है निगम की तरफ से। देखो मित्रों एक रोचक जानकारी एक और, तो जो फली कनेक्शन कट चुका वहाँ पर जो शुल्क लागो जो उस शुल्क भी आपको माफ कर दिया जाओगे और कनेक्शन पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया जाओगा। मित्रों आप एक बार विभाग में आओ और आपकी समस्या बताओ, समस्या को निदान तुरंत ही हो जाओगे, आपको बिलासू मत घबराओ बिल्कुल भी, और आप विभाग में आओ और आपका जो बकाया बिल है वहाँ का तीन जमा करो, अलग अलग शर्त अलग अलग बिल पर और अलग अलग राशि पर, और भी जानकारी लेंगे। और दूसरे जो अदर भी जो कटे हुए कनेक्शन है जो DC PDC है जी, उन पे सब पे ब्याज और पेनल्टी की पूरी पूरी छूट दी जा रही है जी। और कृषि कनेक्शन में एक निगम की तरफ से एक स्कीम और अभी अप्रैल में लागू होने वाली है जी, जी। जो प्रति महीने प्रति कृषक को 2000 यूनिट फ्री में दी जाएगी किसानों के लेकर, या बहुत ही अच्छी सुविधा। या पहली बार सुन रहे थे मैं तो, किसानों का कारण भी बिजली मुफ्त मिलेगी 2000 यूनिट जी को कोई चार्ज न ले जाओगे, और या किसानों के लेकर बहुत बड़ी राहत, किसान वैसे भी मर रहे थे साहब अपन, या पानी बरस रही है कोई मावटा कर रही है किसानों के वैसे भी परेशान है, पर यह विभाग आड़ी जो एक बहुत बड़ी कार्रवाई किसानों के तय भी छूट दी जा रही है। और सर उसमें साहब कृषक को क्या करना है, पूरा बकाया जो पुराना बिल है वो पूरा जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद आधार जनाधार और बैंक डायरी की फोटोकॉपी हमें ला के देनी पड़ेगी, तो अकाउंट को उसके लिंक करेंगे उसके बाद ही उस स्कीम लागू होगी। और उसमें एक शर्त और है कि वो प्रति बिल को उसको देखना है, चाहे 1 रुपये का बिल हो तो वो उसको जमा करना है, कृषि में तो ये नियम है। ऐसे ही मकान में जो 50 यूनिट अभी स्कीम चल रही है, 50 यूनिट तक बिल फ्री है आपके जी,
और बिल में से ही 50 यूनिट का पैसा माइनस हो के आ रहा है जी। और आने वाले टाइम में जैसे आपने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है बजट में, उसमें 100 यूनिट प्रति महीने उसके हिसाब से फ्री मतलब सब्सिडी मिलेगी। और 100 यूनिट के बाद में अगर मान लो सपोज करो आपके 101 यूनिट आया तो 1 यूनिट का बिल आपको जारी होगा, बाकी आपका बिल पूरा हो जाएगा। या देखो साहब ये बहुत ही अच्छी जानकारी अपनी, 100 यूनिट तो फ्री आई रही, अगर ज़्यादा ज़्यादा 105 यूनिट आपने आई तो 100 यूनिट को कटकर सिर्फ 5 यूनिट को बिल अपनी जमा करानी पड़ोगे। और शर्त यह है, सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है, सबकी सुविधा देखता हुआ कोई का माफ़ कराया जाए, कोई का अतनी यूनिट कोई का अतनी यूनिट, पर एक शर्त जब इतना कि जो पिछलो बकायो है उन्हें आप जमा कराओ, तभी ये शर्त आपके साथ लागू होगी। और आपको जितनों भी बिल पिछला महीना को जो बकायो है आप वही क्लियर करो, ताकि आप ही जो सुविधा चली थे जो योजना चलाई थी सरकार ने और विभागीय कर्मचारी आपनों सहयोग कर रहे थे, तो आप ये योजना को लाभ उठावा कारण आपनों जो पिछलो बिल है उन्हें जमा कराओ मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा बिल जमा कराओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा आप उठा सको। एक मैं आपके मार्फत मीडिया के मार्फत ये भी बताना चाहूँगा, जो जिन लोगों के मकान के कनेक्शन कटे हुए हैं जी, सपोज करो उसके 5,000 या 10,000 का बिल है जी, उसमें हम LPS की छूट दे देंगे जो निगम नियमानुसार है जी जी, और उसको ये कहवाएं कि मतलब वो चालू करवाएं जी, तो उसका वापस हम चालू भी कर देंगे जी। तो एक तो क्या है वो उस स्कीम में आ जाएगा 100 यूनिट वाली में जी। और अभी जो जैसे विजिलेंस जाती है या किसी से आपसे ले रखा है आंकड़ा डाल कर रखे, तो वो डर से मुक्त हो जाएगा एक तरह से। देखो ये स्कीम बहुत अच्छी बताई जा रही है, पुराना कनेक्शन कटा हुआ है माना आप जल्द से जल्द चालू कराओ, ताकि या जो बिजली मुक्त की जो योजना है या आप ही मिल सके। बने रिजो आड़ोती खबर पर दिखाता रहेंगे मैं आप ही, और भी धन्यवाद साहब।